ने अपनी पाद मार के किसी और के ऊपर इंजाम अपनी चड्डी को बदला ना हो। फ्लर्टिंग इज लाइक योगा, एवरीबडी शुड डू इट। गाइस इतना आटा ही खाते हैं, खुद क्या पता अंदर जाके क्या बन जाए। Hello guys, welcome back to our channel Sound of Vlogger, and here we are again with another episode of Guft Go. Oh, okay guys, I'm sorry. So guys, हम आ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी के प्यारे चैनल पे जिसका नाम है Sound of Vlogger, and हम आ चुके हैं एक नए प्रस्तुत के साथ अपने गुफ्तगू में, जिसमें and हाँ और जिसमें हम करने वाले ढेर सारी मस्ती, मजा और गुफ्तगू। Oh sorry. So guys, तो आज हम क्या करने वाले हैं आप सब जानना चाह रहे होंगे। तो हम आज इस गुफ्तगू एपिसोड 2 में करने वाले हैं कुछ, खेलने वाले गेम्स जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, शायद आपने खेला भी होगा। न्यू गेम्स नहीं है गाइस, ये थोड़ा ओल्ड गेम है जिसको हमने कुछ नया उसमें मसालेदार डाल के कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है, केक बना दिया है मसाला डाल के। और तो उसका नाम है नेवर हैव आई एवर। नहीं होता नेवर हैव आई एवर, होता है नेवर हैव आई एवर। तो आई होप आप लोगों को रूल्स तो पता ही होंगे। हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें से हम एक एक करके चीजें बोलेंगे जो हमने किया होगा। उसमें हम अब ऐसी पर्ची दिखाएंगे अगर किया है तो आई हैव ग्रीन वाला, और आई हैव नेवर अगर नहीं किया तो आई हैव नेवर रेड वाला, ऐसा दिखाएंगे आपको। तो आप समझ जाना, ठीक है। एंड हम बताएंगे भी आई हैव तो उसको मिलेगी पनिशमेंट। I have में पनिशमेंट। Yes. I have में they have to do something। और उसको बताना भी होगा कि उसने क्या किया है। Yes. Because ये है टॉप सीक्रेट, खोलेंगे हम सबके। आप जानना चाहते हो ना, सब पता चलेगा इसकी सारी सीक्रेट तो चलेगा। मेरे तो नहीं, इसके पता चलेगा। मेरे तो आपको पता ही है, कल पता चली गए थे लास्ट वाली एपिसोड 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना सारी लिंक दे रखी है मैंने एपिसोड 1 की, तो जाके देख लेना। और अगर आपने पहली एपिसोड देखकर भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो डूब मरो भाई, जाके नीचे सब्सक्राइब कर दो यार। एक तो वीडियो बना रहे रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। चलो हम आपको इतना प्यार करते हैं, इतना नकली नहीं बोलते, इतना नकली नहीं बोलना था, स्क्रिप्टेड नहीं। गाइस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स स्टार्ट विद द गेम एंड लेट्स गो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स स्टार्ट विद द गुफ्त गो एपिसोड 2 लेट्स बिगिन। सो गाइस वी आर हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर। Never have I ever washed my hand. Okay, so guys, never have I ever washed my hand after having potty and wiped it on somebody else. T-shirt. So never. I have. मैंने इसी के ऊपर किया था, इसको पता नहीं है लेकिन इसके मुंह पे मैंने डाल दिया था ऐसे। चीज़ी डर मत, मैं हाथ से नहीं धोता हूँ मैं। हमारे यहाँ पे शावर लगा हुआ है, शावर से जा क्लीन हो जाता है। गाइस हाथ लगाने की जरूरत नहीं, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया था। तो गाइस ये बात आज इसको पता चल चुकी होगी, वो पोल खुल चुकी है। So guys, पहले क्वेश्चन में तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लग गया है। आगे बढ़ बहुत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के साथ नेवर हैव आई एवर फ्लर्ट विद रैंडम पर्सन। ओके गाइस आई हैव गाइस फ्लर्टिंग इज लाइक योगा, एवरीबडी शुड डू इट, मेक अ हैबिट। योगा इज नेसेसरी एंड फ्लर्टिंग इज इन योगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर चेंज माय अंडरवेयर फॉर लॉन्गर देन 2 days। Guys, कब मतलब 2 दिन से ज्यादा तुमने अपनी चड्डी को बदला ना हो, किया है कि नहीं किया है? गाइस मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि I have guys but I am not sharing my story, sorry। तो गाइस मैंने तो किया ही है। गर्मी में तो हर कोई कर देता है, ठंडी में करते हैं, गर्मी में कौन करता है? गर्मी में तो करते पागल, अरे ठंडी में सॉरी। मैंने गर्मी में भी कर दिया होगा गलती से। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसने वो चीज करी हो उसको आटा खाना पड़ेगा। आटे का पूरा बकेट हमारे हाथ में है, तो सबसे पहले मैं ही खा लेता हूँ यार। गंदे काम को मैं करता हूँ पूरा। पेट में रोटी बनाऊंगा रात भर। कितना खाना है, ज़्यादा हूँ क्या? थोड़ा खा लेता हूँ। चलो तो गाइस इतना आटा ही खाते हैं क्योंकि क्या पता अंदर जाके क्या बन जाए। तो गाइस दुख के साथ कहना पड़ेगा मुझे भी खाना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा ही खाऊंगी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बचपन में आटा खा लेता था बिना कच्चा आटा, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ तो है। आप लोग खा सकते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। Yes. तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So guys, अभी तो जान बुदे थर्ड क्वेश्चन के साथ मेरा क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है। ओके इस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर ब्लेम Apart somebody else. अपनी पाद मार के किसी और के ऊपर इंजाम लगा दिया कि नहीं लगाती, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका आंसर है I have, because guys ये तो रेगुलरली होता है। इंडियन की ना दिमाग में और दिल में बसी हुई चीज है, ये हर कोई करता है, मुझे पता है। और हमारे घर में तो डेली होता है, यही करती है और ये बोल देती है। तो गाइस जैसे I have बोला, हमने जैसे कमेंट किया था। चल चल जल्दी का पता है उन्हें। इतना भी मत करो ऐसे। ओके आटा ही है, मुंह में क्यों डाल ले, झूठा हो गया है। नया चम्मच लेके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर व्हाट व्हाट तू ही कर ले ना, तू ही कर ले। नेवर हैव आई एवर वॉच्ड पॉर्न। आंसर इज Guys, sorry, but sorry क्या? सबने देख लिया होगा। तो guys मैंने तो सबसे पहली बार कब देखा था पता नहीं। मैंने पहली बार when I was in college first year। तो आटा खा ले। Okay guys आटा खाना पड़ेगा मैं। Guys आटा तो रोटी बन जाएगा। गाइस आज मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत रोटी खा ली हमने। I want मिर्च मसाला। So guys next question is never have I ever meet up with somebody else from dating app. So मेरा आंसर है I have never। भाई तूने सारे कांड किए हैं क्या? स्टोरी में बता चल। No comments। फक मत बोल बेटा, वीडियो बैन हो जाएगी YouTube पे। Our next question is never have I ever used another gender washroom, like जैसे मैंने वुमेन का वॉशरूम यूज किया और जैसे इसने मेंस का वॉशरूम यूज किया। तो मेरा आंसर है I have। मेरे तो पहले की स्टोरी सुनाया। तो गाइस क्या हुआ था कि हम वैष्णो देवी गए हुए थे और वहाँ पे ना एक लड़कों की अलग जगह है नहाने की और लड़कियों की अलग जगह है नहाने की। सो क्या हुआ था, एक मेरी मामी है, उन्होंने उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था, ज़्यादा भी बड़ा नहीं था, बट हाँ नॉर्मल तो था, लड़का दिखता था मैं तो क्या हुआ था कि मामी जी बोलती कि तुम कहाँ के ले जाओगे, तो चलो हमारे मेरे साथ ही फटाफट से उन्होंने हमें वॉशरूम के लेडीज़ वॉशरूम में घुसा दिया और वहाँ पे हमें नहा दिया। फिर बाकी लड़कियाँ वहाँ पे थी, हम सब देख रहे थे और तो सब कहने लगे ये कौन आ गए, लड़के कौन आ गए, सब भगाने की कोशिश करते, लेकिन हम नहीं भागे, हम नहा के वहाँ से निकले थे। तो और मेरी तो रिसेंटली है, अभी हम ऋषिकेश गए थे ट्रिप के लिए, ऋषिकेश गए और जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत वॉशरूम आ रहा था, तो हम उस पर क्या बोलते हैं उसे पेट्रोल पंप बहुत वॉशरूम आ रहा था मतलब सबको वॉशरूम आ रहा था, तो सबने बोला कि कहीं रोक लेते, तो पेट्रोल पंप पे हमने रोका। तो वहाँ मैंने देखा नहीं मेंस और वुमेन, मैं सीधे गई और मैं वॉशरूम में चली गई। तो मैं चली तो गई, उसके बाद जब मैं बाहर आ रही थी तो मतलब वॉशरूम के बाहर वुमेन खड़ा था जो मतलब हमारे ऑफिस का ही था अकाउंटिंग, वो खड़ा था और ही सेड कि पढ़ा नहीं आपने, मैंने बोला क्या, कहता ऊपर देख लो। मैंने फिर देखा, मैंने कहा ओह सॉरी सॉरी, कहता अब तो मैं समझ गया, अब तो मैं समझ गया। मतलब बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन। चल हटा चली के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर स्टोलन समथिंग फ्रॉम अ शॉप। सो आई हैव। एक्चुअली ना हम दोनों ने ही साथ में चोरी करी थी। पनिशमेंट खाना चाहिए। So guys, our next question is, never have I ever locked someone in the room. मतलब मैंने किसी को रूम में बंद करा है या नहीं? So I have. मैंने इसी को रूम में बंद कर दिया था। Even मैंने इसको वॉशरूम में भी बंद किया हुआ है। और मैंने इसके वॉशरूम की लाइट भी बंद करी हुई है। और वो भी वॉशरूम में बंद करके। और मैंने भी। और ये बहुत तड़पी थी उस दिन और वो एक हिसाब जाके मैंने चाबी कहाँ है? कार में डाल लियो क्या चाबी साला सब। चलो गाइस। WWE। Next question is, never have I ever lied in this game. Okay. I have never. Yeah. तुम झूठ बोले? I have नहीं है। करना क्या चाहते हो? ये आखिरी है। I have never. मैंने जो बोला वो सच बोला है। सच के सिवा मैंने कुछ नहीं बोला। ये अभी भी कंफ्यूज है, इसने बोला गया मतलब तूने बोला है झूठ। अब ये इसी वीडियो के साथ खत्म होता है, ये राज भी यहीं पे दब चुका है। इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 2 है गुफ्तगू का वो खत्म हो चुका है गाइस। तो क्यों बैठे हो, जाके नीचे जाके लाल बटन होगा उसको दबा दो यार और घंटी पे घंटा मार दो, क्योंकि भाई कम ऑन बेचारी ने WWE खेल के अपनी हाथ ही तोड़वा लिया है यहाँ पे। अभी जो वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। Yes guys. एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने रिव्यूज तो बिल्कुल शेयर करना वीडियो के कमेंट्स में, ताकि हमें क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। जो भी कमेंट्स हो यार गंदे बुरे कर देना, मतलब मुझे चाहिए है ना आपके कमेंट्स ही चाहिए। ताकि मुझे पता चले यार आप लोग देख रहे हो और हाँ यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम आवर साइड। तो आप इसी तरह यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में गुफ्तगू पार्ट 3 में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। जय भारत, जय हिंद।